अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ सेक्रेटरी सदीक अहमद नकीबी साहब मौजूद हैं, जो कि हमें थीम पार्क व्यू सोसाइटी के मुतालिक तमाम तर डिटेल देंगे। और हाजी मोहम्मद खुशी साहब कैसे इंसान हैं बताएंगे, तो चलते हैं जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को बताएँ थीम पार्क व्यू सोसाइटी कैसी है। थीम पार्क सोसाइटी, हम ये कहना चाहूँगा कि ये गरीबों के लिए एक हिसाब का पैरस बिल्कुल, और यहाँ पर जो भी शख्स आया है मैं उसको यही देख रहा हूँ कि वो यही कह रहा है कि हमारा ताया चाचा का जो भी भाई वो यहाँ पर आके प्लाट ले, जगह ले और घर बनाए, क्योंकि यहाँ पे आके हर एक गरीब आदमी की ख्वाहिश जो है ये पूरी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों गुजारिश है करें जनाब, ये पाक मुहर्रम का महीना है, लोग आप सरकार के आल उदास दी बड़ी शहादत हो गई ने। अजय खुशी मोहम्मद तूर साहब, इस महीने के सदके जितनी भी गरीब आवाम है जेडे एक अपना घर नहीं बना सकते, सिर्फ वो किराएदार ने, उन्होंने वास्ते ये बड़ा अच्छा पैकेज है, वो लोग अपना घर बना सकन और अपने बच्चियां नू छोटियां बच्चियां नू महफूज रख सकन। इस तो अच्छी थीम पार्क दे विच और तुहानू की सहूलत मिल सकती है? हॉस्पिटल इत्थे दिते गए ने, बच्चियां दे स्कूल इत्थे ने, कॉलेज इत्थे ने। और हाजी खुशी मोहम्मद साहब, ये उन्नी देर तक अपने घरों नहीं निकलते जिनी देर तक गरीब आदमियों के घर के कोई 10-20 घर 50 घर से चूल्हा नहीं चलता। इन्होंने यो चीज़ सीखी है कि जिन्ना भी हो सके गरीब मस्कीन यतीम से हाथ रखा जाए और अल्लाह की बारगाह के हाथ चुके दुआ करे, या अल्लाह पाक तेरा लख लख शुक्र है कि हाजी खुशी मोहम्मद साहब न तू साडे नसीब दे विच लिखिया और साडे घर बार बन गए। असी बड़े बेकार सां, इत्थे मैं ऐसे लोग वेखे ने कि जिन्हां नूं अलहमदुलिल्लाह इस चीज़ की मैं कसम खाना कि जेडे बेकार ने, हाजी साहब ने कई ऐसिया बेवा औरतों ने जिन्हां नूं फ्री घर देते ने, कई ऐसे लोग ने जेडे मजदूर ने उन्हां नूं फ्री घर बार देते ने। हाली हाजी खुशी साहब का बड़ा दिल करता है कि इत्थे पार्कां बनन, हॉस्पिटल बनन, इत्थे बाहर दे लोग आके इत्थे रहिश रखन। ये थीम पार्क नूं एक बड़ी अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते ने, जिदे विच तुहानू लोगों नूं साथ देना पएगा कि हाजी खुशी मोहम्मद तूर साहब ये तुसी दसना कि तुहाडे लई की कर सकते हैं। इत्थे वापटा की सहूलत है, एंबूलेंस की सहूलत मिलेगी, इत्थे पार्किंग दे विच तुहानू गड्डियां आन जाण की सहूलत मिलेगी, इत्थे सबद मंडी बनाई जाएगी, बाहर के लोग आके इत्थे कारोबार करेंगे। साडी थीम पार्क नूं इतना फायदा होएगा कि हाजी खुशी मोहम्मद तूर साहब तुहाडे लई अपनी जान भी निछावर कर सक जाएंगे। और अलहमदुलिल्लाह अगर किसी बच्ची की शादी है, हाजी खुशी मोहम्मद साहब वह समान दे रहे हैं, गरीबा मुस्कीनों आटे दे रहे हैं, प्यो चीनी दे रहे हैं, क्योंकि किसी की भुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वह भुख नहीं बर्दाश्त कर सकते तो किवें किसी दुख दे सकते हैं? ये तुहाडे अगे मेरी गुजारिश है कि तुसी जल्द तो जल्द आके अपने थीम पार्क में आबाद करो, हाजी खुशी साहब को आके प्लाट लवो और जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है आके कंप्रोमाइज़ करो। तुसी हाजी खुशी साहब नाल जे, हाजी खुशी साहब ढाडे नाल ने, तुसी है तो हाजी खुशी साहब है ने, ते ढाडे सिर ते ही ये थीम पार्क आबाद हुई है। ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हाजी खुशी मोहम्मद तूर साहब नू मियाँ मनशा साहब परसनल सैकटरी वर्गे उन्होंने बंदे मिले ने और हर एक दी हेल्प कर रहे हैं। मियाँ मनशा साहब जड़े ने हर घर जाके, हर घर जाके कह रहे हैं कि आओ अगर किसी कोई मसला मसाइल है तो आके अपना हल कर लवो। अलहमदुल्ला मैं अपनी अखा नाल वेख्या है कि लोगों के भर्तियां पैन वाली ने घर गंदा पानी जा रहा है, मनशा साहब लोगों के घर जाके सफाई करवा रहे हैं, वह सारा लैक्चर दे रहे हैं कि तुसी हाजी साहब का साथ दो, हाजी साहब ढाडे नाल ने और इस इलाके की सारी गंदगी कूड़ा कचरा खत्म करके इन्हें एक ताज महल की शक्ल दी जाएगी। ते तुहाडी मेहरबानी है मेरे भैनों ते भराओ, अगर किसी के दिल च गुजारिश है मेरी फिर सुन लो, अगर किसी के दिल च ख्वाहिश है कि मेरे को 50,000 रुपया है या 1,00,000 रुपया है या 1,50,000 रुपया है तो किसी चोर लटेरे के हाथ ना देना, आके हाजी खुशी साहब को लाओ, उन्होंने दुआ सरण लवो और देखो कितने नेक आदमी ने। अगर वह नहीं मिलते उन्होंने परसनल सैकटरी मोहम्मद मनशा साहब ने, उन्होंने मिलो, ढाडे अगर ना कम हो तो असं इस चीज़ के देनदार हाँ, क्योंकि असी जो शायद देखी है अलहमदुल्ला अल्लाह नु हाजर नाजर करके कह रहे हैं कि जो क्या वह सच क्या है। हाजी खुशी मोहम्मद साहब किसी की अख च अथरू नहीं देख सकते, और अगर किसी की अख च अथरू देखते हैं
अगर वो किसी की अख थ्रू देखते हैं तो समझ लो अजी खुशी साहब का दिल रो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। इतने मैं उन्होंने दफ्तर आके भी देखा, जिथे उन्होंने घर है उत्थे आके भी देखा कि जिन्हें भी जरूरतमंद लोग ने हाजी साहब उन्होंने अगे ना करते नहीं, पता नहीं अल्लाह पाक ने कहो जो उन्होंने दिल बनाता है। मैं इस चीज़ को यह पाक महीना है यदि कसम खा के नाई साहब ने कभी किसी मक्खी का भी दिल नहीं दुखाया। वो थल नज़र नीवियाँ करके टोरते कि कोई कीड़ा मकौड़ा पैर थले ना आ जाए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह 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 जितों तक हो सकया हाजी खुशी साहब नाल तुसीं तावन करोगे, हाजी खुशी साहब तुहाडे नाल तावन करेंगे और इत्थे इस तरह का माहौल बन जाएगा, इस तरह का माहौल बन जाएगा कि बाहर की दुनिया इस इलाके नूं वेखेगी। क्योंकि जदों मुखलिस दोस्त हाजी साहब के मियाँ मनसा साहब वर्गे ने उन्होंने कोई बंदा उन्होंने दुख परेशानी नहीं दे सकता, क्योंकि मनसा साहब ने बड़ी मेहनत की उन्होंने वास्ते और उन्होंने अपना माँ बाप प्यो इस सब इस तो उत्ते कोई दर्जा नहीं जिहड़ा मियाँ मनसा साहब ने उन्होंने दिता है। तो असी मियाँ मनसा साहब के भी ताबेदार हाँ खादम हाँ, क्योंकि मनसा साहब घर घर जाके इस चीज़ की दावत दें कि थीम पार्क में आबाद करना है